देखो मेरे पास इसका सलूशन है, 80% 20%, 80% हमारा और 20% आपका। मारो, मार, 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 मार। अबे फटीचर बॉक्सर देख के नहीं जा सकते तेरे। अकलमंदी इसी में है कि तुम सब पैसे इक्वली बांटो और जल्दी करो। उस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए? मारो, बैठ, अबे खड़े यहाँ बैठ, इधर आ। जस्ट अभी यहाँ पे सज्जनगढ़ फोर्ट में पहुँचे हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से कौन कौन से किस प्रकार से यहाँ पे सीन लिए हुए हैं, मूवी के सीन शूट किए गए हैं। तो अभी फाइनली पहुँच चुके हैं ऊपर, तो चलते हैं। और फाइनली अभी हमने टिकट भी ले लिए, एक टिकट की प्राइस हो गई 112 रुपये है, तो अभी हम 3% है तो 3 टिकट ले लिए। हे गाइज, वेलकम टू अपने बाइक का व्लॉग, आई होप कि आप समझते होंगे। तो गाइज आज हम फाइनली लेक ऑफ सिटी उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो गाइज जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं 2007 के अंदर हम सबकी एक सुपरहिट फेवरेट मूवी आई थी, कॉमेडी मूवी धमाल। आज के इस वीडियो में आपको धमाल मूवी की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाले हैं जो कि 2007 के अंदर आई थी। और इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं संजय दत्त, असरानी, असरद, प्रेम चोपड़ा, वो काफ़ी एक्टर देखने को मिले थे। तो गाइज मूवी के हम वो सीन देखने वाले हैं जब यहाँ पे वो बेसिकली 20 करोड़ की मीटिंग होती है ना, तो गाइज बेसिकली उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट में वो मीटिंग होती है जब यहाँ पे आदि मानव बब्बन रॉय वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं संजय दत्त के साथ में कि 20 करोड़ रुपये को कैसे कैसे बांटना है। तो आज के इस वीडियो में वो मूवी के सारे सीन दिखाने वाले हैं और यहाँ पे बेसिकली वो गाड़ी लेके भागते हैं गोवा के लिए, यहाँ से निकलते हैं ना, वो सारे सीन यहीं से दिखाए गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक, और चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ का वो नज़ारा दिखा देता हूँ जो आप सामने देख रहे हो, गाइस सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। गाइस ये बेसिकली उदयपुर सिटी का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ मानसून पैलेस है, इसे बेसिकली राजा सज्जन सिंह ने बनवाया। गाइस ये महल हो बेसिकली मौसम की जानकारी का पता करने के लिए बनाया गया था इस महल को, और यहाँ पे काफी सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन आज आप यहाँ पे धमाल मूवी की शूटिंग लोकेशन देखने वाले हैं। तो आप एक बार यहाँ से वो नज़ारा देख सकते हो, कितना खूबसूरत, कति जहर, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस दूर दूर तक यहाँ पे वादियाँ दिखाई देती है। तो गैज अभी अपन यहाँ से धमाल मूवी के सीन देखते हैं। तो गैज एक सीन को तो यहीं से दिखाया जाता है जब यहाँ पे बेसिकली 10 करोड़ की मीटिंग होती है ना, तो गैज परफेक्ट वो यहीं पे होती है, यहीं पे एक टेबल डली रहती है और यहाँ पे बैठे रहते हैं संजय दत्त, आदि मानव, बब्बन रॉय, वो यहाँ पे 10 करोड़ की यहाँ पे मीटिंग डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें अपने को ये पीछे झील का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये जो आप ये दीवार देख रहे हो वो आप मैच कर सकते हो, और उनके टेबल यहीं पर डली रहती है, और पीछे 2 गज गमले भी रखे रहते हैं, वो भी आप मैच कर सकते हो। तो गैज वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 10 करोड़ कैसे बांटने हैं। तो गैज आदि वो बेसिकली संजय दत्त सर को बोलता है कि 10 करोड़ में से 20% आप रख लो और 80% हमें दे दो। तो वो यहाँ पे संजय दत्त बोलते हैं कि यदि मुझे 20% लेने होते तो मैं तुम लोगों के साथ समझौता क्यों करता, वो तो मुझे सरकार से ऐसे ही मिल जाते। वो उनका यहाँ पे कॉमेडी सीन रहता है, वगैरह घूमते रहते हैं। तो क्या जब घूमते रहते हैं ना, तो एक सीन को तो यहीं से दिखा जाता है परफेक्ट, जो आप ये पीछे गार्डन देख रहे हो ना, यहीं पर बेसिकली यहाँ पे टेबल डली हुई होती है खाने के लिए, इसी रेस्टोरेंट टाइप में दिखाया गया है। तो गार्डन गए ये परफेक्ट आप मैच कर सकते हो, वो यहाँ पे घूमते रहते हैं जिसमें अपने को ये पेड़ का भी नज़ारा देखने को मिलता है। उसके बाद गए एक सीन को यहाँ से दिखा जाता है, जो आप ये सज्जनगढ़ किला देख रहे हो ना, इस किले का जो यहाँ पे पिलर दिख रहा है यहाँ पे ये कोना, वो आप मैच कर सकते हो परफेक्ट। संजय दत्त सर घूमते रहते हैं तो अपने को यही सीन देखने को मिलता है, तो आप मैच कर सकते हो। उसके बाद हो गया जाती है यहाँ पे संजय दत्त सर को बोलता है कि 60% हमारा और 40% हमारा। तो गए यहाँ पे वो मानव बोलता है कि इस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए, वो यहाँ पे उनका कॉमेडी सीन रहता है। तो वो सीन परफेक्ट यहीं से दिखाया जाता है, यहीं पे उनकी टेबल डली रहती है, तो आप मैच कर सकते हो परफेक्ट, अपने को यही सीन देखने में मिलता है। तो यहीं पे उनकी वो 10 करोड़ की यहाँ पे मीटिंग होती रहती है, तो आप मैच कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे गए कुछ फाइट के भी यहाँ पे सीन दिखाए जाते हैं। वो यहाँ पे बब्बन बोलता है कि चलो ठीक है 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन
मेरे पापा की 9,45,000 रुपये मुझे अलग से चाहिए मेरे पापा की गाड़ी के। तो यहाँ पे उनकी बहस होती रहती है किस बात के पैसे, वो यहाँ पे बोलते मैंने तेरे को दारू पिलाई वो भी जोड़ वो भी जोड़। जब तेरे बाप ने तुझे लात मार के निकाल दिया था तो मैंने तुझे रखा था, तुझे मैंने पाला था, तो वो गए यहाँ पे कॉमेडी सीन का रहता है तो आप परफेक्ट आप मैच कर सकते हो। गए सारे कॉमेडी सीन यहीं से दिखाए जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे उनकी फाइट होती है तो यहाँ पे जो बब्बन होता है ना वो यहाँ पे आदि को पकड़ लेता है, तो आदि बोलता कि मानो मार, तो वो गए घुमा के एक पंच मारता है आदि के ही मारता है। उसके बाद दोबारा बोलता है गधे मुझे नहीं उसे मार, तो फिर वो गए एक और पंच घुमा के मारता है ना, तो दूसरी बार यहाँ पे वो रोय को जाके लगता है, तो वो यहाँ पे बोलता है कि साले फटीजर बॉक्सर देख के नहीं मार सकता। गए इतने कॉमेडी फनी सीन यहाँ से शूट किए गए हैं, तो खुद वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे मेरे तो हंसी नहीं रुक रही है। तो गाइस काफी सारे कॉमेडी सीन यहाँ से शूट किए गए थे, तो वो सीन सारे परफेक्ट यहीं से दिखाया जाता है, आप मैच कर सकते हो। और यहाँ का आप एक बार नजारा भी देख सकते हो, कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है। यहाँ पे चारों ओर वादियां हैं, और फतेह सागर झील और पिछोला झील यहाँ से अपने को देखने मिलती है, यहाँ पे चारों ओर वादियां, तो आप मैच कर सकते हो। सारे सीन यहीं से दिखाए गए थे। तो गाइस जब अपन आगे चलते हैं वो नेक्स्ट सीन देखते हैं, जब यहाँ पे वो बेसिकली गाड़ी लेके भागते ना एक दूसरे की, वो मतलब बब्बन हो बेसिकली ट्रक लेके भागता है आदि और मानव, यहाँ पे वो दो लोगों के बैठने वाले बुलेट फुटफुटी होती है उसके ऊपर बैठ के भागते हैं, तो वो सीन अपने देखने चलते हैं। और यहाँ से आपको सज्जनगढ़ किला भी दिखाते हैं, तो अभी फाइनली आगे के सीन देखते हैं। तो गाइस अभी मैं सज्जनगढ़ किले के पास आ चुका हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। और यहाँ पे देखो इस साइड में एक गार्डन बना हुआ आप देख सकते हो, ये गाइस बेसिकली रास्ता आता है नीचे से सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। तो गाइस अभी मैं आपको वो इंटरेस्टिंग सीन दिखाता हूँ जिसमें बेसिकली यहाँ पे बब्बन रॉय आदि मानव संजय दत्त यहाँ पे बेसिकली जीप ट्रक बुलेट लेके भागते हैं ना गोवा के लिए, रवाना होते हैं 10 करोड़ रुपए के लिए, तो वो सीन अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस एक सीन को यहाँ से दिखाता है, जब यहाँ पे वो बहस करते रहते हैं ना, इतने में रॉय होता है ना वो यहाँ से भागते हुए आता है, यहाँ पे जो संजय दत्त की पुलिस जीप खड़ी रहती है ना वो यहाँ से देखो लेके भागता, तो परफेक्ट अपने ये सीन देखने को मिलता है, आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे पुलिस जीप लेके भागता रहता है ना, तो यहाँ पे गाइस देखो संजय दत्त आगे आ जाता है जीप के, तो वो सीन अपने को परफेक्ट यहीं से देखने को मिलता है। ये गाइस बेसिकली नीचे से आने का रास्ता है जो आप मैच कर सकते हो परफेक्ट, संजय दत्त वो यहीं पे गाड़ी के आगे आता है। तो और गाइस जब संजय दत्त यहाँ से भागता ना, तो गाइस एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है, जो आप ये दीवार देख रहे हो ना पीछे, परफेक्ट आप मैच कर सकते हो, यहीं से वो संजय दत्त भागते रहते हैं, तो ये दीवार आप मैच कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे गाइस एक बेसिकली यहाँ पे जीप सी खड़ी रहती है, उसके अंदर एक आदमी बैठा रहता है, संजय दत्त उसको पकड़ के बाहर फेंकता है, और संजय दत्त भी यहाँ से हो गए जीप लेके भागता, तो परफेक्ट आप मैच कर सकते हो, अपने को ये सीन देखने को मिलता है। और गए उसी टाइम पे ना यहाँ पे बब्बन होता है ना वो भी भाग के आता है, वो यहाँ पे ऊपर एक ट्रक खड़ा रहता है ग्रीन कलर का, वो ट्रक लेके भागता है ना गाइस, देखो परफेक्ट वो सीन अपने को यहीं से दिखाया जाता है, जिसमें आप ये सज्जनगढ़ किले का जो आप ये देख रहे हो ना पिल्लर है बड़ा बड़ा वाला, उसके ऊपर सीमेंटेड रेलिंग भी लगी हुई वो भी आप मैच कर सकते हो, तो वो सीन अपने को यहीं से दिखाया जाता है परफेक्ट। और यहाँ पे एक रेड गाड़ी भी खड़ी रहती है, आदि और मानव दोनों ट्रक के आगे आ जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, लेकिन बब्बन वो स्पीड से निकाल के लेके चला जाता है, तो वो सीन अपने को परफेक्ट यहीं से देखने को मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पे हो गए आदि होता है ना गाइस, जो यहाँ पे रेड कलर की जो यहाँ पे इनोवा खड़ी रहती है, उसको फाटक खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट पास में यहाँ पे दो लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ पे वो रहती है बुलेट फटफटी, तो उसमें यहाँ पे बैठता है आदि हो गए, आवाज़ लगाता है जोर से कि मानव बैठ, तो गाइस मानव है ना वहीं पे बैठ जाता है जमीन के अंदर, तो गाइस वो सीन परफेक्टली हमें यहीं से दिखाया जाता है। तो गाइस देखो आदि है ना परफेक्ट यहीं पे बैठा था धमाल मूवी के अंदर, जिसमें आप ये जो ये पीछे देख रहे हो ना उस टाइम पे गाइस इस जो ये दीवार थी ना उस टाइम बनी रही थी, इस पर प्लास्टर नहीं किया हुआ था, लेकिन वो दीवार है ना परफेक्ट यही। उसके बाद हो गए आदि वो जोर से चलाता है कि गधे नीचे नहीं यहाँ पे बैठ गाड़ी के अंदर, तो गाइस फिर वो मानव उठ के जाता है और यहाँ पे वो बैठता है अंदर, और फिर यहाँ पे वो बोलता है कि इसमें तो हैंडल ही नहीं है मैं कैसे चलाऊंगा, तो गाइस यहाँ से निकल जाते हैं सारे आदि मानव बब्बन रॉय संजय दत्त बेसिकली गोवा के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस यहाँ से वो बेसिकली मूवी की इंटरेस्टिंग सीन दिखाए गए थे, जो कि मैंने आपको सारे के सारे दिखा दिए। तो गाइस आई होप कि जो आज का हमारा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इस मेहनत के लिए एक लाइक, और चैनल आप पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर सकते हो। गाइस आपको ही पता है वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।